अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट का थम नहीं रहा प्रकोप। नए वेरिएंट की KP.3 वेरिएंट पुराने वेरिएंट JN.1 से भी ज्यादा है खतरनाक। सामान्य लक्षणों के अलावा उल्टी और दस्त जैसे गैस्ट्रोटेस्टाइनल लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। ईरान और स्वीडन ने कैदियों की अदला बदली की। ईरान ने यूरोपीय संघ के एक राजनयिक समेत दो व्यक्तियों को रिहा किया, जबकि स्वीडन ने 1988 में इस्लामी गणराज्य में सामूहिक फांसी दिए जाने की घटना में शामिल आरोपी को रिहा किया। तिब्बत में दो नेपाली नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला नेपाल की संसद में गरमाया। विपक्षी सांसद राजेंद्र बजगैन ने सदन में सरकार से मांगा जवाब का। तिब्बती सुरक्षा अधिकारियों ने दो नेपाली नागरिकों को अवैध हिरासत में लिया। स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होगा भारत। तारों के जाल से होगी वेन्यू की सुरक्षा। सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे रूस, चीन और सऊदी। साउथ चाइना सी में घुसे विदेशियों को गिरफ्तार करेगा चीन। शी जिनपिंग सरकार का नया कानून, बिना ट्रायल 7 दिन जेल में रखेगा ड्रैगन। अमेरिका और सऊदी के बीच 50 साल पुरानी डील रद्द। किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता है सऊदी अरब। डॉलर की बादशाहत पर खतरा। साउथ अफ्रीका में रामफोसा दूसरी बार बने राष्ट्रपति। देश में 30 साल बाद गठबंधन की सरकार। मंडेला की पार्टी को विपक्षी दल ने दिया समर्थन। पंजाब की दो बहनों पर अमेरिका में फायरिंग। एक की मौत हुई, दूसरी घायल। 6 घंटे बाद हमलावर ने किया आत्मसमर्पण। हमास के बाद अब हिजबुल्ला की बारी। अमेरिका की हां के बाद इसराइल लेगा एक्शन। अमेरिकी दौरे पर जा रहा इसराइली सेना का दल। केट मिडिल्टन ने कैंसर ट्रीटमेंट पर अपडेट दिया, कहा कीमोथेरेपी का असर हो रहा है, अच्छे बुरे दोनों दिन देख रही हूं। अवैध रूप से कैद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई और एक स्वतंत्र